दोस्तों ईडी जैसे डिपार्टमेंट ने एमवे इंडिया पर बहुत गहरे गहरे इल्ज़ाम लगाए हैं, और ऐसे इल्ज़ाम जिसको कि शायद एमवे इंडिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए हैं ईडी ने। क्या है दोस्तों उन इल्ज़ाम की सच्चाई, कुछ इसमें झूठ है चीज़ें या क्या है सच्चाई, मतलब पूरा हम उसके बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लास्ट पर, जहाँ पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों जो मैं टॉपिक के बारे में भी आपसे डिस्कशन कर रहा था उसके बारे में हम पूरा विस्तार से बात करते हैं कि आखिर है क्या। दोस्तों ईडी एक डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट है जिसने दोस्तों ये यहाँ पे ये देखिए एक एक चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उसका इंग्लिश, जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी अर्थ भी बताता हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ है ईडी अटैचेज एसेट्स वर्थ रुपीज 757 करोड़ बिलोंगिंग टू एमवे इंडिया, यानी कि जो 757 करोड़ के रुपये की जो भी एसेट्स एमवे इंडिया को बिलोंग करते थे, मतलब जो कि एमवे इंडिया के नाम से थे, उनको ईडी ने जब्त कर लिया है। ठीक है, अब किस लिए किया है, क्या है न्यूज़, वो हम पूरा सुनते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है कि 18 अप्रैल 2022 3:20 की न्यूज है शाम की, और क्या लिखा हुआ है कि ईडी जो है ईडी हैज़ प्रोविजनली अटैच्ड एसेट्स वर्थ रुपीज 757 करोड़ बिलोंगिंग टू एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। वही जो मैंने आपको ऊपर हिंदी का अर्थ बताया, वही कि बेसिकली जो ईडी डिपार्टमेंट है उसने एमवे इंडिया के नाम से जो भी 757 करोड़ के एसेट्स हैं उनको जब्त कर लिया है। अब एसेट बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों? एसेट्स बेसिकली वो होते हैं जो कि हमारी किसी भी चीज़ में ना वृद्धि करते हैं, एसेट्स बेसिकली उनको बोला जाता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपने दो वर्ड जरूर सुने होंगे, एसेट्स और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बेसिकली होता है कि जो बोझ होता है हम पे, और एसेट्स वो होता है जो हमारी किसी भी चीज़ को इंक्रीज करता है, मतलब एक हो सकता है कि मतलब आपको वो इंक्रीज कर रहा है तो वो एसेट्स है। तो ईडी ने ऐसे एसेट्स जो कि एमवे इंडिया के 757 करोड़ रुपए के लगभग थे उनको जब्त कर लिया है। इसमें लिखा हुआ है एमवे इंडिया के बारे में, ए कंपनी एक्यूज्ड ऑफ रनिंग ए मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम, यानी कि जो ये कंपनी थी ईडी के अनुसार, ये जो चीज़ें हैं ये ईडी के अनुसार हैं, जो कंपनी है वो बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग का स्कैम चला रही है, ऐसा ईडी बोल रही है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है द अटैच्ड प्रॉपर्टीज इंक्लूड लैंड एंड फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफ द कंपनी इन डिंडीगुल तमिलनाडु, प्लांट एंड मशीनरीज, व्हीकल्स, बैंक अकाउंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ईडी ने इनके एसेट्स जब्त करे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें जमीन है, इनमें फैक्ट्री की बिल्डिंग है जो कि कंपनी की है, ठीक है, और ये डिंडीगुल तमिलनाडु में है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, प्लांट है, कंपनी के जो प्लांट लगे हुए होंगे, कंपनी की जो मशीनरीज हैं वो हैं, वाहन यानी कि व्हीकल, बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD, ये सारी कंपनी के नाम से हैं, तो इनको ईडी ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा और लिखा हुआ है, मोर ओवर द फाइनेंशियल फ्रॉड प्रोब एजेंसी हैड प्रोविजनली अटैच्ड इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज वर्थ रुपीज 411 crore एंड बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 345 crore फ्रॉम 36 डिफरेंट अकाउंट्स बिलोंगिंग टू एमवे। इसमें लिखा हुआ है कि जो ये फाइनेंशियल फ्रॉड प्रोब एजेंसी है उसने दोस्तों मूव होने वाले यानी कि इधर से उधर जाने वाले, और लिखा है इमूवेबल यानी कि जो मूव नहीं हो सकते, उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को जो कि लगभग 411 करोड़ रुपए की हैं, और जो बैंक बैलेंस 345 करोड़ रुपए का है, 36 डिफरेंट अकाउंट यानी कि 36 अलग अलग अकाउंट से जो कि एमवे को बिलोंग करता है, उन सबको ईडी ने जब्त कर लिया है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है दोस्तों एमवे रनिंग पिरामिड स्कीम। अब यहाँ पे ये इसका मतलब क्लियर है कि एमवे पिरामिड स्कीम चलाती है। अब आप यहाँ पे ये देखिए केवल इस लाइन को पढ़ के कि अगर एमवे को ये बोल रहे हैं कि वो पिरामिड स्कीम चलाती है, ये ईडी के अनुसार है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अनुसार या किसी और व्यक्ति के अनुसार मैं आपको कह रहा हूँ, ये ईडी के अनुसार बताया गया है। ईडी ने क्या बोला है कि एमवे जो है वो पिरामिड स्कीम चलाती है। तो दोस्तों आप समझ जाइए, अगर एमवे के बारे में ये चीज़ें बोली जा रही हैं जो कि कंपनी 1996 या 1997 में इंडिया में आ गई थी, यानी कि एक तरीके से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लाने वाली ही एमवे है, और अगर उसको ये बोला जा रहा है कि वो पिरामिड स्कीम है और उसको इल्लीगल बोला जा रहा है, क्योंकि अभी आगे पता चल जाएगा आपको, अगर उसको इल्लीगल बोला जा रहा है तो फिर समझ जाइए दोस्तों इंडिया की हर कंपनी आज के टाइम में ईडी के अनुसार फिर पिरामिड स्कीम ही है। अब आप आगे यहाँ पे पढ़िए, ए मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब बाय द ईडी फाउंड दैट द अमेरिकन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी इज रनिंग पिरामिड फ्रॉड इन द ग्यूज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग का चोला पहनकर अमेरिकन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी एमवे
जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है भारत में। तो ईडी ने ये पाया, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसों को इधर उधर कर रही है। तो ये दोस्तों ईडी के अनुसार बोला जा रहा है कि जो अमेरिकन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है वो पैसों को इधर उधर कर रही है, और ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है पिरामिड फ्रॉड, यानी कि ये पिरामिड फ्रॉड स्कीम चला रही है ईडी के अनुसार। इसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों, द एजेंसी फाउंड दैट द प्राइसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द कंपनी आर एग्जॉर्बिटेंट एज कंपेयर्ड टू देयर अल्टरनेटिव्स। दोस्तों ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है ईडी ने, मतलब इस बात से तो मैं भी उनकी सहमत हूँ। भले ही और बातों में दोस्तों मतभेद हो सकते हैं ईडी के विचारों में, हमारे विचारों में, या और जो नेटवर्क मार्केटिंग के खुद को प्रोफेशनल समझते हैं उनके विचारों में, लेकिन इस वाले पॉइंट से मैं भी सहमत हूँ। जो ये लिखा हुआ है एजेंसी फाउंड, यानी कि जो ये ईडी है, इसने ये पाया कि जो प्राइसेस है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द कंपनी, यानी कि जो एमवे ने जो प्रोडक्ट ऑफर किए हैं उनमें से अधिकतर प्रोडक्ट्स के उनके जो प्राइस हैं वो दोस्तों इतने ज़्यादा हैं कि लोग उनको खरीद नहीं पा रहे या खरीद पाने में असमर्थ हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है, इसी वजह से पिरामिड फ्रॉड में एमवे आ गई है ईडी के अनुसार। अगली लाइन में क्या लिखा है, द पब्लिक अनअवेयर ऑफ द रियल फैक्ट्स इज इंड्यूस्ड टू ज्वाइन एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड परचेज प्रोडक्ट्स एट एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस। इसमें लिखा हुआ है जो जनता है वो रियल फैक्ट, यानी कि जो मतलब सच्चे तथ्य होते हैं, सच्चे तथ्य के अभाव में, जनता जो है सच्चे तथ्य के अभाव में उनको बोला जाता है कि आप कंपनी के मेंबर बनो और कंपनी के प्रोडक्ट खरीदो इन प्राइसों पे जो कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके बाद लिखा हुआ है कि मोर ओवर द न्यू मेंबर्स वर नॉट परचेजिंग द प्रोडक्ट्स फॉर देयर ओन यूज बट टू बिकम रिच बाय बिकमिंग मेंबर्स। अब यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि जो न्यू मेंबर हैं, मतलब जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वर नॉट परचेजिंग द प्रोडक्ट, नए लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे थे, फॉर देयर ओन यानी कि खुद के यूज के लिए। तो आपने यहाँ पे देखा, नए लोग खुद के यूज के लिए प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर रहे थे, बट टू बिकम रिच बाई बिकमिंग मेंबर्स। लेकिन वो ये लोग, वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो उनके साथ जुड़े वो प्रोडक्ट खरीदें और पैसा इनको आए। तो यहाँ पे ये ईडी ने क्लियर बताया हुआ है कि इसी वजह से एमवे को पिरामिड फ्रॉड स्कीम बोला गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन है, द कंपनी कलेक्टेड रुपीज 27,560 CR फ्रॉम इट्स बिजनेस ऑपरेशंस फ्रॉम 2002-03 टू 2021-22 एंड आउट ऑफ अबाउट। दोस्तों यहाँ पे क्लियर ईडी के द्वारा बताया गया है कि कंपनी ने 27,562 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं मार्केट से, ठीक है, और इनका जो बिजनेस चल रहा है वो 2002 से 2003 से आज तक, यानी कि 2021 से 2022 के फाइनेंशियल ईयर तक ये दिखाया गया है कि 27,562 करोड़ इस कंपनी ने बनाए हैं अपने इसी बिजनेस से, जिसको कि आज के टाइम में ईडी पिरामिड फ्रॉड स्कीम बोल रही है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, इट पेड ए रुपीज 7,588 CR कमीशन टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मेंबर्स इन इंडिया एंड इन द US ड्यूरिंग द सेम इंटरवल। ये बताया गया कि 2002 से लेके 2022, सन 2002 से लेके 2022 के बीच में ही अमेरिकन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी एमवे ने 7,588 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने इंडिया के जो उनके सदस्य उनके साथ जुड़े हैं, और चाहे वो US के लोग उनके साथ जुड़े हैं, उन सबको मिला के 7,588 करोड़ रुपए एमवे ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जबकि कमाए कितने हैं 27,562 करोड़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग लगभग अपनी कमाई का 25% ही कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने, चाहे वो इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हों चाहे वो अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, नो फोकस ऑन प्रोडक्ट्स, ईडी ऑब्जर्व दैट द कंपनीज एंटायर फोकस इज अबाउट प्रोपोगेटिंग हाउ मेंबर्स कैन बिकम रिच बाय बिकमिंग मेंबर्स विद नो फोकस ऑन द प्रोडक्ट। इसमें ये क्लियर बताया गया है कि ईडी ने ये ऑब्जर्व किया है, ये पाया है कि कंपनी का प्रोडक्ट्स पे कोई फोकस ही नहीं था। कंपनी का जो फोकस था वो केवल इस चीज पे था कि कैसे मेंबर उनके साथ जुड़े, और जो उनके साथ मेंबर जुड़े हैं कंपनी के साथ वो और मेंबर को जोड़ें, और कंपनी के प्रोडक्ट को भले ही वन टाइम खरीदें लेकिन कंपनी को मुनाफा हो। ईडी ने यहाँ पे ये क्लियर बताया है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट लाइन लिखी है, प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मैस्कुरेट दिस MLM पिरामिड फ्रॉड एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी द ईडी फाउंड इन इट्स इन्वेस्टिगेशन। क्लियर यहाँ पे बताया गया है कि ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो केवल MLM को आगे बढ़ाने के लिए दिए जा रहे थे, प्रोडक्ट केवल इसीलिए यूज किए जा रहे थे लोगों के द्वारा। और ये क्लियर यहाँ पे बताया गया है कि पिरामिड फ्रॉड एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी,
कि ये लोग बेसिकली पिरामिड फ्रॉड चला रहे थे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पे। ठीक है भाई साहब, अब अगली लाइन क्या लिखी है, एमवे ब्रॉट रुपीज 21.39 सीआरस एज शेयर कैपिटल इन इंडिया इन 1996-97 एंड टिल फर्स्ट ईयर 2020-21 इट रेमिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2,859 सीआर इन द नेम ऑफ डिविडेंड रॉयल्टी एंड अदर पेमेंट्स टू देयर इन्वेस्टर्स एंड पेरेंट एंटिटीज। क्लियर बताया गया है कि एमवे जब इंडिया में आया था 1996-97 में, तब एमवे 21 करोड़ रुपए अपने साथ भारत के मार्केट में लाया था शेयर कैपिटल के नाम पे, और आज के टाइम में 2020 से 21 में उनका जो ये अमाउंट है वो लगभग बढ़कर 2,859 करोड़ रुपए हो गया है। और कंपनी ने अलग अलग जगह ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, चाहे वो डिविडेंड के नाम पे हो, चाहे रॉयल्टी के नाम पे हो, चाहे अलग अलग पेमेंट के नाम पे हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स के नाम पे हो, चाहे इनके जो पेरेंट एंटिटीज़ जो इनके साथ की एंटिटीज़ होती हैं, जो साथ की कंपनीज होती हैं उनके नाम पे हो। नेक्स्ट लाइन, ए मेजर रोल इन प्रमोटिंग पिरामिड स्कीम वॉज प्लेड बाय ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बाय कंडक्टिंग सेमिनार्स फॉर ज्वाइनिंग मेंबर्स अंडर द ग्यूज ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय एनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स इन चैन सिस्टम। इसमें यह बताया गया है कि जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, उसके द्वारा एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया है इस पिरामिड स्कीम को प्रमोट करने में, है ना। और किस तरीके से किया गया, वही बताया गया है कि बाय कंडक्टिंग सेमिनार्स फॉर ज्वाइनिंग मेंबर्स अंडर द ग्यूज ऑफ सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जो ये कंपनी है ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सेमिनार कंडक्ट कराती थी लोगों को जोड़ने के लिए। ठीक है, किस चीज में, इसमें लिखा है अंडर द ग्यूज ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय एनरोलमेंट ऑफ मेंबर्स इन चैन सिस्टम, यानी कि लोगों को अपने साथ जोड़ के प्रोडक्ट उनको बेच के इस चीज को ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने माध्यम से चला रही थी, जिसको आज के टाइम में ईडी ने फ्रॉड स्कीम बोला है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बैंड फ्रॉम प्रमोटिंग पिरामिड स्कीम्स। अब आप ये पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसमें लिखा हुआ है मीन वाइल द गवर्नमेंट हैड इन दिसंबर 2021 बैंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज लाइक, तीनों के आप नाम पढ़िए कंपनियों के, लाइक टपरवेयर, एमवे एंड ओरिफ्लेम फ्रॉम प्रमोटिंग पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स एज इट ब्रॉट आउट न्यू रूल्स फॉर द इंडस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्लियर बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ने अभी दिसंबर 2021 में, इन्होंने डेट नहीं लिखी, मैं आपको डेट ही बता देता हूँ, गवर्नमेंट ने 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, जो कि कंपनी से कुछ के नाम भी दिए हुए थे कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जैसे कि टपरवेयर, एमवे, ओरिफ्लेम, इनको गवर्नमेंट ने बैन किया है पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम को प्रमोट करने से, क्योंकि ये नए रूल आए हैं इंडस्ट्री के लिए, ये बेसिकली रूल्स आ गए हैं, लॉ आ गया है, अब लॉ में आ गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेकिन अभी भी कंपनियां कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगली लाइन पढ़िए, द न्यू रूल्स मैंडेट दैट स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव टू सेट अप ए मैकेनिज्म टू कीप ए चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डायरेक्ट सेलर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज। इसमें ये क्लियर बताया हुआ है कि जो नए नियम हैं वो ये बताते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार विल हैव टू सेट अप, राज्य सरकार को एक मैकेनिज्म सेटअप करना होगा, यानी कि कोई एक ऐसा उनको रास्ता निकालना होगा जिससे कि वो हर डायरेक्ट सेलर को, यानी कि जो कंपनी के लोग आपके पास आते हैं ना, जो ये बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सेलर हैं कंपनी के, तो उनको ट्रैक करने के लिए ये बताया गया है नए रूल में कि उनको ट्रैक करने के लिए राज्य सरकार कोई एक ऐसा मैकेनिज्म यानी कि एक ऐसा बढ़िया चीज बनानी होगी जिससे कि वो हर डायरेक्ट सेलर को ट्रैक कर सके कि वो क्या आपको पिरामिड स्कीम तो नहीं बता रहा, एंड डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑल्सो, या और जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनको भी ट्रैक करे राज्य सरकार, मतलब उनको एक तरीके से उनके पीछे, मतलब राज्य सरकार लग गई है अब कि भाई साहब आप अगर किसी को भी पिरामिड स्कीम बताओगे, जो कि गवर्नमेंट ने अपने नए रूल में डिफाइन करी है, अगर आप पिरामिड स्कीम बताओगे तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन लेगी, इसमें क्लियर बताया गया। और दोस्तों ये मैंने आज देखिए पूरी न्यूज़ आपके सामने पढ़ी, तो मुझे नहीं पता, देखो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है या नहीं, मतलब जिस तरीके से आज तक काम होता था, क्योंकि मल्टी लेयर पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना आज के टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से इलीगल हो गया है। गवर्नमेंट ने 28 दिसंबर 2021 को ये लॉ निकाला था, भारत राजपत्र में आ चुका है, ठीक है, उसमें पिरामिड स्कीम को क्लियर बताया गया कि मल्टी लेयर पे पैसा नहीं बांट सकते। इसके अलावा एक ये भी बताया हुआ है कि जो कंपनियां प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रही हैं
वो कंपनीज पिरामिड स्कीम के अंतर्गत नहीं आती। तो इसमें जो एक थोड़ा सा कैच हो सकता है वो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज पे एक्शन ले जिन कंपनीज के या तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल काम के नहीं है। जैसे कई कंपनियां आप देखते होंगे कूड़ा कचरा प्रोडक्ट दे देती हैं, जैसे कि कोट पैंट हो गए, है ना, ऐसे ही और मतलब अनयूजेबल आइटम्स, और मतलब ऐसी प्राइसिंग में जो कि बहुत ऐसी होगी मतलब जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है हमारे मार्केट के लिए। तो हो सकता है गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज पे एक्शन ले, क्योंकि एमवे के जो देखिए प्रोडक्ट के प्राइजेज हैं वो इंडियन मार्केट के हिसाब से नहीं है। प्रोडक्ट की क्वालिटी भले ही अच्छी हो, नो डाउट, ऐसे ही एक और कुछ कंपनीज हैं वो कोट पैंट के प्रोडक्ट देती हैं या और भी ऐसे प्रोडक्ट देती हैं जो कि लोगों के ज़्यादा काम के नहीं होते। हो सकता है गवर्नमेंट उन पर भी एक्शन ले, और ऐसा हो सकता है कि जो कंपनियां डेली यूज़ के प्रोडक्ट रख रही हैं और उनके प्राइस जेन्युइन हैं, ज़्यादा ओवर रेटेड नहीं है, मतलब देखिए 10 रुपये की चीज़ को हो सकता है गवर्नमेंट ये बोले कि 12 रुपये में आप बेच लो, लेकिन अगर 10 रुपये की चीज़ को आप 50 रुपये में बेचोगे तो उसको गवर्नमेंट मना करेगी। ऐसा मेरे ख्याल से हो सकता है कि गवर्नमेंट 10 रुपये की चीज़ को जो 50 रुपये में बेच रहे हैं उनको बंद कर दे, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है कि भाई वो काम का ही नहीं है, मतलब काम का नहीं है का मतलब कि उसके बिना भी जीवन चल सकता है, ठीक है, सिंपल सी परिभाषा उसकी ये है। तो हो सकता है ऐसी कंपनियों पे गवर्नमेंट बैन लगाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने 28 दिसंबर 2021 को ये बोल दिया था कि इन जैसी कंपनियों के पास, गवर्नमेंट ने स्पेशली नाम मेंशन किए हुए हैं कि भाई साहब एमवे, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, इन जैसी कंपनी, इन जैसी का मतलब इनमें सारी आ गई, क्योंकि एमवे में, एमवे तो भाई साहब शुरू करी थी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ने ये बोला, इन गवर्नमेंट ने इन कंपनियों को 90 दिन का टाइम दिया हुआ था, और अगर अभी भी ये कंपनियां नहीं सुधरती हैं तो मेरे ख्याल से ईडी ने जो ये एक्शन आज लिया है तो हो सकता है ये एक्शन अभी और कंपनियों के खिलाफ भी हो। तो इसमें अभी कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ईडी ने एक्शन किया है तो ये बहुत बड़ा मतलब धब्बा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि एमवे एक जानी मानी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, और आप इंडिया गेट में आप उसको जाइंट बोल सकते हैं क्योंकि स्टार्ट उसने ही किया है इंडियन मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को। तो अब क्या होगा आगे ये तो देखिए ईडी ही डिसाइड करेगी। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप लोगों को और कुछ शॉकिंग न्यूज और मिले, कुछ कंपनियां ऐसी जो कि बेफालतू के प्रोडक्ट दे रही हैं और बेहिसाब प्राइस में प्रोडक्ट दे रही हैं, हो सकता है उन पे भी ईडी एक्शन ले। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये पूरा सीन, पूरा ये प्रकरण है क्या। तो इसी चीज़ के साथ दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और नेटवर्क मार्केटिंग के सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि एमवे इंडिया के ऊपर जो ये कार्रवाई हुई है ईडी के द्वारा, ये असली सच्चाई उन लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।